घर में नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है, दुकान में नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम से डाउन हो जाता है, पता नहीं नेगेटिव एनर्जी इतनी कैसे बनती है, कहां से बन रही है, कैसे आ रही है, इन सब को चेक करने का तरीका इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। घर पे नेगेटिव एनर्जी कितनी है, कितनी बनी हुई है, इसको चेक करने के लिए देखें पूरा वीडियो। नमस्कार। ओम एम हीम क्लीम चामुंडाई विच्चे जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप पर कृपा करें। हमारे घर पर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। लोग आते जाते हैं, हम बाहर घूम के आते हैं, घर में सीलन है, घर में कुछ ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिससे नेगेटिव एनर्जी बनती ही रहती है, बनती ही रहती है। घर में कलेश बहुत ज्यादा है, लड़ाइयां बहुत ज्यादा हो रही हैं, घर में बरकत नहीं हो रही है, घुसते ही सर में दर्द रहता है, एकदम से भारीपन लगता है, या फिर हम कहें बीमारियां चल रही हैं, घर में बीमारियां बनी ही हुई हैं, खत्म ही नहीं हो रही हैं। इतनी नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है कि समझ नहीं आ रहा ये कैसे पता लगे कि घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। इसको चेक करने का उपाय आज मेरे पास में है। आप घर पर ही नेगेटिव एनर्जी चेक कर सकते हैं कितनी नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है। करना क्या है बहुत ध्यान से समझिएगा। एक कटोरी में पानी ले लीजिए, स्टील की कटोरी ले सकते हो तो उसमें ले लीजिए, प्लास्टिक की कटोरी में ले सकते हो तो प्लास्टिक की कटोरी में ले लीजिए, गिलास में ले सकते हैं तो गिलास में भी ले सकते हैं आप। आप एक जगह पानी को रख दीजिए और उसको स्थिर होने दें, यानी कि बिल्कुल हिले नहीं पानी, ऐसी जगह रख दीजिए ताकि हिले डुले नहीं पानी। आपको 7 लौंग लेनी है। देखिए लौंग की संख्या आप ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि भाई पूरा बड़ा घर है तो आप लौंग की संख्या बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं आप 7 लौंगों को लेकर आप नेगेटिव एनर्जी को चेक कीजिए। अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने बंगले में, आपकी दुकान है उसमें चेक कीजिए। तो आप 7 लौंग लीजिए पहली बार, ठीक है। बाद में हम इसको इवन में नहीं ऑड में बढ़ाएंगे, यानी कि 9 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, लेकिन इवन नहीं होनी चाहिए संख्या। आप 7 लौंग लीजिए, अच्छी लौंग, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बड़ी लौंग लीजिए, फूल वाली लौंग। इन 7 लौंगों को आप हाथ में लेकर पूरे घर में घूम आइए, पूरे घर में घूम लीजिए, हर कमरे में घूम लीजिए। देखिए आप कमरे की नेगेटिव एनर्जी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी चेक करना बता रहा हूं। आप उसको लेकर पूरे घर में घूम लीजिए। घूमने के बाद जहां आपने कटोरी रखी हुई है उस कटोरी में इस तरीके से देखिए, हाथ को समझ लीजिएगा, हाथ में लेकर आपको घूमना है, बंद नहीं करना है मुट्ठी, मुट्ठी बंद करके नहीं घूमना है। आप हाथ को खुला रखेंगे, लौंग को पूरे घर में लेकर घूमिए और जाकर सीधे इस तरीके से आप छोड़ दीजिए। देखिए मैं इमेज से भी समझा रहा हूं आपको, इस तरीके से आप छोड़ दीजिएगा। रिजल्ट कैसे काउंट करना है आपको वो समझ लीजिए। रिजल्ट काउंट करने के लिए आप देखिएगा कटोरी में कितनी लौंग लेटी हुई है और कितनी लौंग खड़ी है, यानी कि जब आपकी लौंग 7 में से 5 अगर खड़ी हो जाए तो समझ लीजिएगा आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा है। मान लीजिए 4 खड़ी होती हैं तो समझ लीजिए थोड़ा कम है, लेकिन है तो बहुत। उसके बाद मान लीजिए अगर 7ों की 7ों लेटी हुई आती हैं, इसका मतलब आपका घर परफेक्ट है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, जो भी चीजें हो रही हैं आपके साथ उल्टी सीधी वो किसी और वजह से हो रही है। याद रखिएगा रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 7 में से 5 हैं, 7 की 7 खड़ी हो जाती हैं, 4 खड़ी हो जाती हैं, 2 खड़ी होती हैं, तो ठीक है आपका पॉजिटिवनेस है उस घर में, लेकिन नेगेटिव एनर्जी भी है। और उसके लिए उपाय मैं आपको रेगुलर बता ही रहा हूं, बाकी वीडियोस आप देखते रहेंगे तो उपाय आपको पता चलते रहेंगे। लेकिन बाकी माता वैष्णो देवी आप सब पे कृपा करें। नेगेटिव एनर्जी आप चेक कर सकते हैं अपने घर में ही, रिजल्ट पॉजिटिव आए ऐसी मंगल कामना है।
बाकी इनको दूर करने के उपाय आप देखते रहिएगा। जय माता दी।